डांस दीवाने। जिसने एज बैरियर को हटा दिया वो है डांस दीवाने। जिसने बिना किसी बंदिश, बिना किसी रोक टोक डांस के दीवानों के लिए प्योर डांसिंग का वादा निभाया वो है डांस दीवाने। आप सबको फुल टू एंटरटेनमेंट से गदर मचा दिया वो है डांस दीवाने। तो डांस दीवाने के लिए जोरदार तालियां। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे कमाल भद्रीनाथ की दुल्हनिया हम्पी शर्मा की दुल्हनिया, धड़क के राइटर डायरेक्टर द कूल द वन वाज द स्वैग थोड़े से है शैतान शशांक खेतान। और उनके साथ आ रहे हैं जनरेशन 3 के रघु और सोम्या श्री। तो जोरदार तालियां बजाने के लिए प्लीज।
किया यार तुमने, दो यार माइक दो, छुपा के बनाते ना डांस वाले की बात करते हैं, दोनों की बातें क्यों कर रहे हो? अरे यार तुम्हारी बात कर रहा हूँ, कम है क्या? चलो ठीक है, मैं आप सबको बता दूं मीडिया वालों को कि तुषार ने हम सबको प्रॉमिस किया है कि 235 बार वो इस शो में शर्ट उतारेगा, शर्ट या टी शर्ट जो आपको पसंद है। पैंट का कॉन्ट्रैक्ट में है वो अर्जुन के पास कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत बहुत मुश्किलों के साथ हमने तुषार को साइन किया है, बहुत दिक्कत हुई शर्ट को उतारने के चक्कर में, लेकिन फाइनली वो मान गया है। तो थैंक यू सो मच तुषार कि आपने शर्ट उतारने के लिए। पीछे से पड़े हो यार अर्जुन, मैं आपसे आगे पड़ जाता हूँ, मुझे क्या, कहाँ पड़ू, पीछे या आगे? अब तो आप भी बहुत फिट हो गए, शशांक बहुत फिट हो गए यार, अब तो शशांक को उतार दीजिए। यस यस फिट हो जाएगा, लेकिन देखो मीडिया वाले यहाँ पर आए, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आप प्लीज उनको एब्स दिखा दो। आओ, अरे एक लड़का होगा तो लड़की की बॉडी एब्स क्यों देखना चाहते हैं मुझे बता, आप देखना चाहते हैं एब्स तुषार के? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, दिखा दे। अरे यार ले, दिस इज व्हाट, देखिए मीडिया में से कोई इसे छूना चाहे तो 100 रुपया आप दे सकते हैं। एक्चुअली ये सब बंद कर दूं, तुझे पता है तुझे भी किसको इंट्रोड्यूस करना है, किसको किसको स्टेज पे बुलाना है, किसको? अपनी सिस्टर को। तो आप पहले वो काम कर लीजिए, बाकी काम हम करते रहेंगे। देख तू जिनकी बात कर रहा है ना, वो थोड़ा थोड़ा टाइमिंग का गड़बड़ हो गया, वरना वो मेरी सिस्टर नहीं, मैं उनका मिस्टर होता, समझा? नहीं समझा। नहीं समझा तू, जा मैं इनको समझाता हूं। थैंक यू सो मच, आई लव यू ब्रो। ठीक है, एक्साइटेड हूँ। टफ नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा फन होने वाला है, बहुत ज़्यादा धमाल होने वाला है, क्योंकि जो कंटेस्टेंट्स हमें मिले हैं, जो टैलेंट हमें मिला है, इट्स अमेजिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग, आई थिंक इट्स बेटर देन द लास्ट ईयर। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होने वाला है स्टेज पर। जो लास्ट ईयर हमारा कॉन्सेप्ट था, हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे 3 जनरेशन, कोई एज लिमिट नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि डांस करने की कोई उम्र नहीं होती, तो उसको प्रूव करके हम 3 जनरेशन्स को एक स्टेज पे लेके आ रहे हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर पीपल एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अर्जुन क्या है ना, बहुत बदमाश है, बहुत मस्ती करता है मेरे साथ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो जो हमारा इक्वेशन है, जो केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी है, और वो एंड लकीली वो लास्ट ईयर बहुत अच्छे से निकल के आई थी शो में, एंड वी आर होपिंग के जो हमने लास्ट ईयर किया था उसको कंटिन्यू करें। नहीं, इस बार कोई लड़ाई नहीं, इस बार वो मेरे साथ ही जाने वाली है, मैं उनके साथ बैठूंगा। और जो हम बोलते रहते हैं मजाक में कि अर्जुन जो है वो जो माधुरी मैम है वो अर्जुन की सिस्टर हैं, तो वो इस बार हम प्रूव करके रहेंगे, मैं और शशांक। नहीं, ऐसा 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 बिल्कुल नहीं है, ये अर्जुन की मस्ती है, अर्जुन बोल रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड या अगर मैं डांस कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली आई एम गोना डू दैट। वी आर कमिंग बैक विद द सेकंड सीजन, डांस दीवाने सीजन 2, जो कि 15 जून से कलर्स चैनल पर आएगा रात 9 बजे। सो जस्ट प्लीज़ प्लीज़, वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर लव। जो लास्ट ईयर आपने हमें लव दिया था, जो प्यार दिया था, प्लीज़ उसे बरकरार रखिएगा। थैंक यू। दीवाने नाम सजेस्ट सब कर देता है कि बहुत दीवानगी होगी,
सीजन वन में दीवानगी तो आपने देखी थी, सीजन टू में दुगनी होगी. एंड माधुरी मैम है, शशांक है, तुषार है, एंड हमारी मस्ती तो आप लोगों ने देखी है. लेकिन सबसे खास बात जो शो की है वो है तीन जनरेशंस. और इस बार बिकॉज सीज़न वन ऑलरेडी आ चुका है, सीज़न टू के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो कंपटीशन का लेवल है मुझे लगता है पहले ही एपिसोड से बहुत हाई होने वाला है. सो डांस लोग यू नो लोगों को छूता है, जैसे म्यूज़िक लोगों को दिल में छूता है, वैसे ही डांस एक ऐसी चीज़ है जो यू नो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं उससे. तो डांस दीवाने जो तीनों जनरेशन है तो तीनों पीढ़ियाँ जो है ये शो देख सकती हैं. इट्स अ फैमिली शो, एंटरटेनिंग शो, और पीपल हु लव डांस जनरली, जिन लोगों को डांस भी नहीं पसंद है ना, मैं ऐसे लोगों को मिला हूँ जो कहते हैं हमें डांस दीवाने देखना पसंद है, हालांकि उनको डांस में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो शो ऐसा बनाया है कि उनको वो देखने में मज़ा आता है, पसंद है. और मैं चाहता हूँ कि जनरेशन थ्री ही का कोई विनर बने, बिकॉज यार उस उम्र में डांस करना, शिद्दत से रिहर्स करना, अपनी फैमिली का भी देखना, इतना प्रेशर, एंड देन कीप स्माइलिंग एंड स्टिल हैव दैट थिंग गोइंग फॉर यू, ईजी नहीं है. बट मुझे लगता है कि वो लोग कर सकते हैं. नहीं, कुछ शूट नहीं हुआ. ये तुषार और शशांक ना मैं बता रहा हूँ, इनको कोई काम नहीं है लाइफ में और ये सिर्फ मुझे उनका भाई बनाना चाहते हैं. तो मैं तुषार और शशांक से कहना चाहूँगा, गाइस मैं हो सकता है सीज़न टू के एंड में आप दोनों को उनका भाई बना दूँ, तो मेरे से पंगे ना लो, मैं मिस्टर ठीक हूँ, नो सिस्टर. मैंने बोला तो सही कि दीवानगी का जो क्वेश्चन है वो डबल होगा. मेरी कोई तैयारी नहीं है ऑनेस्टली यार, मैं जाऊंगा स्टेज पे एंड आई बी माई सेल्फ. क्या तैयारी करूंगा यार. क्या बोलूंगा, पिछले साल मैंने ये बोला था, इस साल ये बोलूंगा, ये भी नहीं कर सकते. सो आई एम जस्ट गोना बी माई सेल्फ, आई थिंक दैट्स व्हाट. एंड सबसे ज़रूरी चीज़ कि इन्वॉल्व्ड हो रहना एक होस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस मोमेंट पे आपको क्या बोलना है, किस इमोशन को फॉरवर्ड ले जाना है. हो सकता है कोई रो रहा हो और मैं कोई जोक मार दूँ तो वो इमोशन वहाँ मर जाता है कभी कभी, तो किस पॉइंट पे इमोशन को आगे बढ़ाना है या किस पॉइंट पे, वो एक डिसीजन मेकिंग होता है उस सेकेंड का, वो कहीं पर भी जा सकता है. सो आई थिंक दैट डिसीजन मेकिंग रियली हेल्प्स यू एज अ होस्ट. एंड कभी कभी माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है तो उसको लाइट कैसे बनाया जाता है, क्या आप कर सकते हो, क्या बोल सकते हो. आई थिंक इट्स ऑल एन इम्प्रॉम्प्टू थिंग व्हाट आई फील एट दैट मोमेंट, आई कैनॉट रियली से इट राइट नाउ. जैसे टू ख़त्म नहीं हुआ था, थ्री का आया था, थ्री ख़त्म नहीं हुआ, चार का आ गया, तो उसमें हैरानी की बात है. मैं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं उसमें हूँ. आई थिंक एंड गेम हो चुका है मेरा, मैं मर चुका हूँ, मैं और शिवन्या जो है वो चले गए हैं. तो आई डोंट थिंक, बट नेवर से नो, नेवर से. ये टीवी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, किस्मत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है. सो बट आई थिंक सीज़न तीन सीज़न यार, अब आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट एंड जस्ट वॉन्ट टू थैंक एकता for all the seasons, and I think it will always be one of the most cherished shows in my heart, and I'll always remember that it was a game changer for me. मैं अगर चाहूँ कौन प्ले करे नागिन, बहुत सारी हैं यार अभी. कौन हो सकती है, आई हैव नो आइडिया हु कैन. इट्स अ नहीं, जेनिफर विंगेट अच्छी लगी क्या नागिन, वो स्वीट सा फेस है. नहीं, नॉट जेनिफर, हु एल्स, कौन बन सकता है, कोई एक्ट्रेसेस के नाम बताओ मुझे, ऑप्शंस दो ना यार, फिर मैं बताता हूँ. अरे वो फिल्में कर रही है, तू छोड़ना है. सुरभि चंदना अगर आप कहते हैं तो वो हो सकती है. मुझे नहीं पता यार नागिन, ये क्वेश्चन मेरे को मत पूछ यार, नागिन में कौन हो सकता है, मैं क्या बोलूँ, मैं प्रोड्यूसर थोड़ी हूँ. डांस दीवाने के सभी फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा,
कि इस बार सीज़न टू आ रहा है, प्लीज़ उतना ही प्यार दीजिए जितने सीज़न वन में दिया था, इनफैक्ट दुगना दीजिए क्योंकि सीज़न टू है, और हम भी आपको दुगना एंटरटेनमेंट देंगे। एंड 15 जून से आ रहा है, भूलिएगा मत, 9 बजे आपके फेवरेट चैनल कलर्स पर। अगर आपके पास कलर्स का पैक नहीं है तो प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि टीवी पे जो देखने का मज़ा है डांस दीवाने, वो मोबाइल पे नहीं है। इसकी एक खासियत है शो की कि तीन जनरेशन हैं इसमें, जो तीसरा जनरेशन है वो मुझे लगता है इस बार और भी उभर के आने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे लगता है हमारे पास कंटेस्टेंट्स थे और उन्होंने बाकी लोगों को इंस्पायर किया है, ड्रॉ आउट किया है कि हम भी चाहेंगे शो पे आने के लिए, इसलिए हमारे इतने सारे चॉइसेस हैं थर्ड जनरेशन, विच इज़ अमेजिंग। जी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो अच्छी चीज़ें थी सीज़न वन की उसे हम कंटिन्यू करें। डांस दीवाने जो जेनरेशन थ्री, आई थिंक जो सबसे यूनिक बात थी कि जेनरेशन थ्री जो था डांस दीवाने पे, कलर्स पे, वो बहुत कनेक्ट किया लोगों से, और हमारे को भी आई थिंक हम सबको इंडिविजुअली जब भी हम कहीं जाते थे तो लोग आके बोलते थे कि हमारी कुछ तमन्नाएँ थी जो पूरी नहीं हो पाई, इस शो के माध्यम से, डांस दीवाने के माध्यम से वो तमन्नाएं पूरी हो रही। तो आई थिंक हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे स्ट्रेंथ्स थे हम उस पर फोकस करें, जो कुछ चीज़ें हम इम्प्रूव करना चाह रहे थे वो ऑटोमेटिकली होगी। आई थिंक हम सबको ऐसा लग रहा है कि कंटेस्टेंट्स इस बार और काफ़ी स्ट्रॉन्गर होंगे, बिकॉज पहला सीज़न इतना अच्छा था। जनरेशन थ्री, जनरेशन टू, जनरेशन वन का जो बैटल होने वाला है मुझे लगता है इस बार ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। माधुरी मैम, आप डांस दीवा, क्या आपको बोला जाता है क्वीन है डांस की, हम लोग देख कर बड़े हुए हैं, आपको आज के जो डांस स्टेप्स होते हैं या जो एड ऑन हुए हैं आपको लगता है क्या, कितने चेंजेस है, टफ है, इजी है? सर आई थिंक हर जनरेशन के साथ एक अलग टफनेस आती है डांसिंग में। आज जनरेशन में जो टफनेस है वो है जो उनके ट्रिक्स होते हैं, उनके एक्रोबैटिक्स होते हैं, वो बहुत ऐड हो गए हैं और उसकी वजह से और डांसिंग कठिन हो गया है। ऑफकोर्स एक्सप्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक कठिन, अभिनय जो है वो भी एक कठिन चीज़ है डांस की, उसे भी उन्हें मास्टर करना है, उनके ट्रिक्स भी मास्टर करने हैं और ग्रेसफुली डांस करना है, तो बहुत सारी कठिनाइयों के थ्रू उन लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं जिस दीवानगी से, पैशन के साथ, इसलिए नाम है इसका डांस दीवाने। लेकिन मैं एक बात मैम के बोलना चाहूँगा कि टेक्निक तो हम लोग सिखा सकते हैं तभी आप कर सकते हो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डांसिंग लेवल बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो एक्सप्रेशन मैम देती थी और अभी देती है वो वैसा कंटेस्टेंट हमें अभी तक नहीं मिला है, तो आई थिंक इस सीज़न में शायद हमें कोई मिल जाएगा। अब जैसे कि आई थिंक शशांक ने बोला कि जो हमारा स्ट्रेंथ थी फर्स्ट सीज़न की उसी को आगे कंटिन्यू करके, और मैंने कुछ वीडियोज़ देखे हैं हमारे ऑडिशंस के और जो हमें कंटेस्टेंट्स मिले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, आई थिंक पिछली बार से जो डांसिंग लेवल है वो बहुत बढ़ने वाला है इस बार। सच कहूँ तो तीनों जो शोज आप जो जिनकी बात कर रही हैं वो तीनों कलर्स पर ही हैं, सो वो आपस में ही मैनेज कर लेते हैं, कलर्स बताते कि आज यहाँ शूटिंग है कल वहाँ शूटिंग, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। कमिंग टू डांस दीवाने, आई थिंक हम सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि सीज़न टू आ रहा है। मैं एज अ होस्ट आई एम हियर टू हैव फन, ऑब्वियसली एक कंटेस्टेंट्स के साथ भी एक रिलेशनशिप मेरा बनेगा, एंड सबसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि माधुरी मैम है इसमें, और जब भी उनके बारे में बात करूँ तो आई स्टार्ट ब्लशिंग। ऑफकोर्स द बैंटर बिटवीन मी, शशांक एंड तुषार, तुषार तो पिछले 6 महीने से सिर्फ जिम में ही था और वर्कआउट ही किचन चैंपियन है, ये जिम चैंपियन है, उनके बीच जाता है, कपड़े उतारता है और बड़े बड़े ऐप्स बनाए उसने, तो आपको वो सब भी देखने मिलेगा। शशांक बहुत अच्छा बोल, शशांक के ऐप्स नहीं देखने मिलेंगे, वो आपको सीजन 4 में देखने मिलेगा। लकीली जो हमारा जजिंग का फॉर्मेट था वो काफ़ी अच्छा हो गया, माधुरी जी रियली हेल्प्ड अस इन द बिगनिंग और हमारे एक अच्छी केमिस्ट्री जम गई। डायरेक्शन बहुत टफ है, आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस हिसाब से फिल्में आती हैं और कैसे फ्राइडे को एक ही दिन में जजमेंट हो जाता है, यहाँ पर एटलीस्ट हमारे पास इम्प्रूव करने का स्कोप होता है, हमारे पास एक फ्राइडे है उसी में डिसाइड हो जाता है, एंड इट हार्डली टेक्स लाइक, आजकल तो मैंने नोटिस किया है कि 9 बजे फिल्म रिलीज़ होती है, 9:30 बजे पहला रिव्यू आ जाता है और मैं सोच रहा हूँ कि तुमने पिक्चर देखी कब, तो यू नो, सो आई थिंक डायरेक्शन इज़ डेफिनेटली टफर, पर जितना मज़ा मुझे यहाँ पर आ रहा है आई रियली होप कि नॉट जस्ट सीजन टू बट इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
व्हाट अबाउट टैप डांसिंग, मैं सीख रहा हूँ, मैंने मुझे मालूम है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं टैप डांसिंग अभी आई होप देखने मिले कुछ सीख ले तो मेरा बॉडी वेट इतना है, मतलब एक तो मेरा बॉडी वेट इतना है कि वो इट्स नॉट वेरी सूटेबल फॉर टैप डांसिंग। तो माधुरी मैम आपकी फिल्म भी आ रही है अभी एज अ प्रोड्यूसर, अभी कितनी एक्साइटेड है आप, आपकी मराठी फिल्म आने वाली है? आ गई है नेटफ्लिक्स पे आई, 15 अगस्त है उसका नाम, प्लीज देखना आप। आप बोल रहे हैं उसको आगे बहुत मराठी लैंग्वेज। गाइस लास्ट क्वेश्चन, मैम अजय देवगन के पिता हमारे बीच नहीं रहे तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी कंडोलेंसेस टू अजय जी फैमिली, काजोल, एवरीवन। मैं उनके साथ बहुत काम कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे इंसान, अ वेरी गुड फाइट मास्टर। मुझे लगता है उन्होंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता था। जब भी पता चलता था कि नीरू जी एक्शन करने वाले हैं तो ये मतलब तसल्ली मिलती थी कि पूरा जो सेफ्टी होता है उसका वो पूरा ख्याल रखते थे, और स्पेशली हीरोइंस का ख्याल रखते थे कि ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। बहुत बहुत अच्छे इंसान। जी अगेन, एज माधुरी जी ने कहा कि कंडोलेंसेस टू द फैमिली, टू अजय जीज फैमिली, टू काजोल जीज फैमिली, एंड उनकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं। उनके एक्शन एक ज़माने में उन्होंने तब एक्शन किया था जब सेफ्टी फीचर्स कम हुआ करते थे, एंड येट ही वुड इंश्योर दैट एज VFX नहीं होता था, बॉडी डबल्स का रोल कम होता था, तो उनको एक्चुअली एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम करना पड़ता था। एंड ऑल आई कैन से दिस टाइम इज़ दैट प्रेयर्स टू द फैमिली, मे इज सोल रेस्ट इन पीस। सबसे पहले तुषार यहाँ खड़े हो जाओ, शशांक प्लीज यहाँ पर आइए आप थोड़ा दूर, ताकि अरे मैं माधुरी जी को कुछ कहना चाहता हूँ। फूल जब आपने छुआ तो खुशबू के भी होश उड़ गए, फूल जब आपने छुआ तो खुशबू के भी होश उड़ गए, आपने एक बार मुस्कुरा क्या दिया, हम गुलजार साहब हो गए। वाह 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 वाह, थैंक यू। ये अच्छी तरह अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करता ना, आई स्वेयर यू आर द बेस्ट ब्रदर इन दिस होल वर्ल्ड। तू भारत का भाई है, तू कमाल है, यू आर अमेजिंग। तेरे कारण ना मेरी बहनें अब मुझे बोलने लगे कि भाई हो तो अर्जुन जैसा वरना ना हो, कसाई हो तो शशांक जैसा। माधुरी जी तो बोली ना, दोनों फिर से शुरू हो गए यार। क्या है ना, ऐसी दीवानगी इस सेट पे होती रहेगी। तो देखो तुम कितने 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 स्मार्ट हो ना, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो ना इस सेट पे, इस मंच पे। इस बार दीवानगी की हद पार करने वाले हम, इसलिए मैं सब दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि 15 जून को रात को 9 बजे जरूर देखिएगा डांस दीवाने। Yes, Colgate presents Dance Diwane Season 2। वैसे जजेस, मैं आपको बता दूं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मतलब यहाँ पर भी हमने आप सबके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। जो मीडिया वाले आए हैं ना, वो भी तीनों जनरेशन मतलब यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। कैन यू बिलीव इट, मतलब मीडिया वालों से भी Generation 1, Generation 2 और Generation 3 वाले लोग परफॉर्म करने वाले हैं। क्यों भाई, आप लोग तैयार हो? यस, ओके। Thank you so much.
यार इस पे तो जोरदार तालियां बनती है यार. ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच माधुरी जी. आप मतलब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये डांस आप और तुषार जी भी करें. हमारी जोड़ी ऐसी हिट हो गई है कि लोग हमारा डांस देखना चाहते हैं. ये क्या हो रहा है, माता लाडला बिगड़ गया. आजा मैं तो चाह रहा था कि आप और इनका डांस हो जाए. माधुरी जी के साथ अच्छे लगेंगे. अच्छा ठीक है. नहीं आपके माधुरी जी, हाँ हम आपके साथ करते हैं. माधुरी जी आपको यहाँ रहना है कि आप जज करने वाली हैं. ओके अच्छा ठीक है ओके. हाँ नहीं हमको आपके साथ करना है यार.